नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गीतिका जायकेदार कुमाऊनी रेसिपी में। आज मैं आप लोगों के लिए हमारे उत्तराखंड कुमाऊं की बहुत ही गांव घरों में जो बनती है ट्रेडिशनल सब्जी वो लेके आई हूँ। मिक्स वेज आप उसे कह सकते हैं, दो तीन सब्जियों से मिला के हम ये सब्जी बनाएंगे। आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये किस सब्जियों से मिलके बनाएंगे। ये बैगन है, एक बैगन लेंगे, एक मूली लेंगे और ये तीन शिमला मिर्च, कुछ हरी मिर्चें हैं, जितना आप तीखा खाना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, और दो ये आलू लेंगे। और इन सब्जियों को हम अच्छे से धो के इनको काट लेंगे। मूली डालने का मेन पर्पस ये होता है क्योंकि गर्मियों में मूली हम लोग खाते हैं सलाद के रूप में, लेकिन जो सलाद है वो गर्मियों में थोड़ा कम खाया जाता है मूली का, इसलिए क्योंकि थोड़ा तीखा मिर्ची लगती है इसमें, तो इससे अच्छा है कि हम अपना इसको सब्जी में डाल के खा सकते हैं। तो इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और हमको सारे इसके मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स सब कुछ मिल जाते हैं। तो हम इसको मूली को डालेंगे। ये पहाड़ों में तो मूली थोड़ा अलग टाइप की होती है, छोटी और मोटी टाइप से लाल वाली मूली मिलती है, लेकिन अभी वो नहीं है तो हम ये इस वाली मूली से भी वो सब्जी बना सकते हैं। तो हम ये सब्जी अच्छे से धो के काट लेते हैं। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इसमें हम क्या क्या मसाले डालेंगे। ज़्यादा मसाले नहीं डालते हैं, बिल्कुल सिंपल खाना होता है पहाड़ियों का। तो इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक ले लेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है तो लाल मिर्च थोड़ा कम करेंगे, थोड़ा जीरा पाउडर थोड़ा ज़्यादा लिया है 2 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून ही मैंने धनिया पाउडर भी लिया है, और तड़के के लिए ये जीरा और धनिया मिक्स करके लिया है, और हल्दी, और ये है जम्बू घास। मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी बताया था ये जम्बू घास उत्तराखंड में मिलता है, इससे खुशबू अच्छी आती है और पहाड़ में तो ये मिलता ही है, बेसिकली तो हर खाने में इसको डाला जाता है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये डालना है, बस इससे खुशबू अच्छी आती है खाने में तो इसीलिए इसको डाल। हम लोगों ने ये सब्जी काट ली है, ये मूली काटी है और ये आलू काटे हैं। बैंगन थोड़े बड़े बड़े रखेंगे क्योंकि बैंगन जल्दी से गल जाते हैं, पक जाते हैं, तो इसको थोड़ा हम बड़ा ही रखेंगे। और रफली ऐसे बड़े बड़े ही टुकड़े शिमला मिर्च के काटेंगे। मैंने एक कढ़ाई ली है, ये सब्जी बेसिकली लोहे की कढ़ाई में ही बनाई जाती है, तो मैंने ये लोहे की कढ़ाई रखी है। इसमें मैंने 3 टेबल स्पून सरसों का तेल डाला है। ये सब्जी सरसों के तेल में बनाओगे तो बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो जब सरसों के तेल से धुआं आने लगे तो हम इसमें जीरा धनिया डालेंगे। तो जीरा धनिया जो मैंने किया था इसको तड़के में डालेंगे। जब ये चटकने लग जाएगा उसके बाद हम इसमें ये जम्बू घास जो धुआर, इसको पहाड़ी लैंग्वेज में, पहाड़ी भाषा में इसको धुआर बोलते हैं हम लोग, तो ये धुआर डाल देंगे। जैसे ही धुआर काला हो जाएगा तो इसमें हम ये मूली डाल देंगे, और गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे, अभी हाई नहीं रखना है इसको। हम ये धीरे से इसको डालेंगे, नहीं तो ये जो मिर्च मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च, ये चटक के ऊपर आएगी। तो मिर्च भी तेल में जब बहुत अच्छे से पकती है तो इसका भी बहुत अच्छा स्वाद आता है। ये मूली मैंने इसमें डाल दी है और इसको ऐसे मिला लेंगे, थोड़ा सा इसको ऑयल में फ्राई करेंगे मूली को थोड़ी देर। मूली को तो गर्मियों में जैसे भी हो खाना चाहिए, सलाद के रूप में अगर आप नहीं खाते हो तो ऐसे आप ये पहाड़ी सब्जी बना सकते हैं, पहाड़ में तो ऐसे ही बनाया जाता है। फिर इसके बाद में ये शिमला मिर्च डाल दूंगी, ये शिमला मिर्च डाला, अब थोड़ा सा फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और इसमें अभी शिमला मिर्च और मूली को फ्राई करेंगे 5 मिनट। के बाद जब भी थोड़ा भून जाए ऑयल में तो फिर हम इसमें ये आलू डाल देंगे। अब मैं इसमें ये आलू डाल देंगे और उनको भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैगन हम सबसे लास्ट में डालेंगे क्योंकि बैगन बहुत जल्दी पक जाएंगे, बस इसके बड़े बड़े पीस ही रखने हैं आलू के और मूली के। ये 2-3 मिनट 5 मिनट हो गए हैं ये शिमला मिर्च और मूली को भूनते हुए। अब मैं इसको लगातार मैंने इसको चलाते हुए भूना है, छोड़ना नहीं है इसको, नहीं तो ये जल जाएगी। अब मैं ये बैगन इसमें डाल दूंगी,
बैगन डालने के बाद भी 2-3 मिनट इसको हम ऐसे ही भूनेंगे। हिसाब से आप लीजिए हल्दी मेनली सभी सब्जियों में एक जैसी डाली जाती है बराबर मात्रा, तो ये 1 स्पून हल्दी है और ये लाल मिर्च, इस सब्जी में हम बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे, इसको हम ऐसे ही भाप में बनाएंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब ये धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है ये डालूंगी, और 2 चम्मच जीरा लिया है ये भी मैं डाल दूंगी। इसमें भी बिल्कुल गरम मसालों का उपयोग नहीं किया है, सिंपल सादे मसाले हैं जो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं। ज़्यादा गरम मसाले खाने भी आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो पहाड़ों की सब्जी में ज़्यादातर गरम मसालों का प्रयोग कम किया जाता है। बस इसको हम ऐसे ही हिलाते रहेंगे 2 मिनट। 2 मिनट के बाद इसको हम ढक देंगे और ढकने के बाद इसको ऐसे ही भाप में पकाएंगे। इसमें हम बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे, इनका अपना ही जो पानी निकलेगा उसी पानी से ये सब्जी बनेगी। और लोहे की कढ़ाई में बन रही है तो इसका स्वाद तो दुगना है, और अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप नॉर्मल कढ़ाई में भी आप बना सकते हैं। अब हम इसको ढक देंगे। अब इसको ढकने के बाद 5 मिनट के बाद इसको खोल के चेक करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं इसको बन पकते हुए, और बीच बीच में इसको हिलाते रहना है 5 मिनट के बीच में भी, ऐसे हिलाते रहेंगे 5 मिनट में, 5 मिनट तक। और इसको अभी और पकाएंगे, अभी ये पकी नहीं है इसको, लेकिन बीच बीच में चेक करते हुए पकाना। देखो अब सब्जी का कलर ऐसा हो गया है क्योंकि ये लोहे का एक जो अपना आयरन होता है वो निकल रहा है, और ये आलू को चेक करके देखेंगे कि ये पका है या नहीं पका है। तो हम इसको थोड़ा सा किनारे पे एक आलू ले लेंगे, जब आलू पक जाएगा तो समझो सब्जी पक गई है। अभी नहीं पका है, थोड़ा सा अभी कच्चा है, तो इसको अभी हम 5 मिनट और पकाएंगे, और इसको बीच बीच में चेक करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि शिमला मिर्च है और मूली है, आलू है, तो उससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसको अभी हम थोड़ी देर और ढक के 5 मिनट पकाएंगे और बीच बीच में इसको चेक करते रहेंगे। देखिए ये सब्जी मेरी तैयार हो गई है, इसको 15-20 मिनट पूरे लगे हैं पकने में, और देखिए ये पूरी अच्छे से गल गई है, शिमला मिर्च बैंगन सब अच्छे से गल गए हैं, और मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं करा है, लेकिन अपने ही पानी में सब्जी के जो अंदर पानी होता है उसमें ये पकी है। और ये सब्जी को चलो अब मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। ये सब्जी बन के तैयार है और ये मैंने सर्व कर ली है। ये सब्जी लोहे की कढ़ाई में बनने के कारण आपको इसमें हल्का सा कालापन दिखाई दे रहा होगा, तो ये लोहे की कढ़ाई की वजह से है क्योंकि हमने इसको लोहे की कढ़ाई में बनाया है, लेकिन ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है, बहुत अच्छी लगती है। आप इसको रोटी पराठों के साथ खा सकते हैं, या आप दोपहर में दाल चावल के संग आप ये सब्जी के तौर पर खा सकते हैं, सूखी सब्जी के तौर पर। तो ये आप एक बार बनाइए, बहुत अच्छी सब्जी है ये। इसमें मूली है तो वो तो पूरी गुणवंती होती है, मूली सबको पता ही है मूली के फायदे। तो फ्रेंड अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है, आपको पसंद आई मेरी ये रेसिपी, तो आप लोग मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए। और आपको कोई और सब्जी, कोई भी उत्तराखंड की गांव घरों की कोई भी सब्जी बनानी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी आपके लिए बनाने के लिए। आपने मेरी ये पूरी वीडियो देखी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।